रानी के दिल में एक जहर गोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है और हिंदुस्तान लग जाए तो माथा टेका जाता, देकर दिव्य शक्ति का हवाला अन्ना कहने के लिए कि वो आए हमारी कब्र पर दिया बुझा के चले गए। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, ये ही एक इल्जाम है हम पर बेवफाई का। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, ये ही एक इल्जाम है हम पर बेवफाई का। वो जो लूट रहे हैं नौसेख कलियों को, वो ही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। मैं नेहा भगत जम्मू कश्मीर की इस धरती से आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे प्रेरणा स्रोत और मेरे सामने बैठा हुआ भारत का उज्जवल भविष्य, आप सबको मेरा प्रणाम। 2014 के बाद हर एक व्यक्ति की जिंदगी की डिक्शनरी में एक शब्द जुड़ चुका है, अफसोस। आखिर क्यों? क्योंकि आज मेरा भारत वो भारत नहीं है जिसका सपना गांधी जी ने, पंडित नेहरू जी ने, स्वर्गीय राजीव जी ने, दादी इंदिरा जी ने देखा था। सत्ता में बैठे हुए अंग्रेजों के मुखबिरों ने मेरे भारत की परिभाषा को ही बदल डाला है। अफसोस, आज हर हिंदुस्तानी के दिल में एक जहर गोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है और हिंदुस्तान खतरे में है, ताकि वास्तविकता लोगों के सामने ना आ सके। प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का लॉलीपॉप देने वाली सरकार ने कार्यरत लोगों का भी रोजगार खा गई और इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बना दिया। इसी सरकार ने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से मेरे देश के असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। इसी सरकार के नेतृत्व में अनप्लैंड लॉकडाउन और कोरोना में अनायोजित नीतियों के कारण ना जाने कितने देश के नागरिकों, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वॉरियर्स ने अपनी जानें गंवाई। इसी सरकार के नेतृत्व में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश के किसानों और जवानों को आमने सामने लाया गया। मेरे देश के किसानों पर लाठियां चलाई गई और दिन दिहाड़े मासूम किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया। और सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात, मैं रिपीट करना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आधी रात को देश की बेटियों की चिताओं को जलाया गया। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि जिस देश की बेटी का पूजन होता मानकर लक्ष्मी, सरस्वती और ज्वाला, पांव अगर लग जाए तो माथा टेका जाता, देकर दिव्य शक्ति का हवाला, अन्याय होते देख उस बेटी के साथ जिन्हें शर्म जरा ना आई, दुहाई हा दुहाई, मेरे भारत दुहाई। और इसी सरकार के नेतृत्व में आंदोलन करने वालों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया। लेकिन हमें जरूरत नहीं है इन लोगों के सर्टिफिकेट की, क्योंकि आज भी हर हिंदुस्तानी के अंदर गांधी जी का खून दौड़ रहा है। आवश्यकता है अपने बीच के गांधी को पहचानिए और सत्ता में बैठी हुई इस मुखबिरों की सरकार को सिर्फ मेरे सामने बैठा हुआ युवा ही सत्ता से बाहर निकाल सकता है। और मोदी सरकार के अच्छे दिनों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई हूँ ये पंक्तियां कहने के लिए, आज मैं मजबूर हो गई हूँ ये पंक्तियां कहने के लिए कि वो आए हमारी कब्र पर दिया बुझा के चले गए, वो आए हमारी कब्र पर दिया बुझा के चले गए, जो तेल था उस दिए में वो सर पे लगा के चले गए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।